नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में महागठबंधन की नई सरकार जब से बनी है तब से तेजस्वी यादव की तो खैर बात छोड़ ही दीजिए, वो युवा लीडर गिने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। न सिर्फ लगातार दौरा कर रहे हैं बल्कि वो अपने भाषणों में पहले से प्रखर तरीके से बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, पहले से कहीं ज़्यादा धारदार तरीके से हमले बोल रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं। कल समस्तीपुर में आपने सुना नीतीश कुमार साफ कह रहे थे कि अब कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जीवन भर नहीं जाएंगे, लेकिन इसी मन से उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया। समस्तीपुर में जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो मन से बोलते हुए उन्होंने बिहार के विकास को लेकर जब बात करनी शुरू की तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार के अब हर जिले में, बिहार में जितने भी जिले हैं, इन सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे और हर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की देखरेख और सुविधा का ख्याल भी रखा जाएगा। अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोले जाने के बाद लोगों को तो राहत मिलेगी ही, इसके साथ ही विकास कार्य भी तेज से होगा। अब इसमें नीतीश कुमार ने, चूंकि ये मांग बहुत पहले से चली आ रही है, लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल तो होना ही चाहिए, तो ऐसे में नीतीश कुमार ने अब खुले मन से ऐलान किया है और कह दिया है कि बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल होगा। इससे लोगों को इलाज में अधिक सुविधा होगी। भोजपुर, बक्सर और कटिहार में मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। हम लोगों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी का निर्माण भी करा दिया है। साथ ही इन कॉलेजों में लड़कियों के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित कर दी गई है। ये भी कहा नीतीश कुमार ने कि 13 अक्टूबर की बैठक में समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर और उजियारपुर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उच्च आवासीय विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। दरअसल ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब कह रहे थे जब समस्तीपुर जिले के सरायरंजन प्रखंड के रामनगर नरघोघी में नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। और इसी दौरान मंच से नीतीश कुमार ने न सिर्फ बीजेपी पर हमला किया बल्कि कई सारी बिहार के विकास को लेकर भी बातें की। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार के हर जिले में किस प्रकार से काम हो रहा है और किस प्रकार से काम होने के लिए निर्देशित किया गया है। तो पहले वाली बात अब नजर नहीं आ रही है क्योंकि अब ज्यादा एक्टिव मोड में तेजस्वी यादव भी दिख रहे हैं, नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं और एक के बाद एक ऐलान किया जा रहा है। आपको पता ही है कि बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार का मुद्दा अलग बैठा हुआ है जिस पर सरकार काम कर रही है। बार बार बहाली की बात कही जाती है, हालांकि अभी उस रफ्तार में बहालियों की आने की जो उम्मीद थी वो नहीं आ रही है। युवा इसको भी लेकर परेशान है, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है उसे पूरा करने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है, बिहार के हर जिले में अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल होगा जिससे लोगों को सुविधा होगी, लोग जो है वो अपनी बीमारी का इलाज भी आसानी से करा पाएंगे और उन्हें ज्यादा भागदौड़ सबसे बड़ी बात तो की नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हाल बिहार में है उसे आप समझ सकते होंगे इस बात से कि तेजस्वी यादव को बार बार अस्पतालों में रेड करना पड़ रहा है, रात को निकलना पड़ रहा है और अस्पतालों की व्यवस्था को देखनी पड़ रही है। तो ऐसे में अब हर जिले में जब मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो जाएंगे तो लोगों को सुविधा होगी, लोगों को इधर उधर भागने से ज्यादा अब उन्हें आराम मिलने लगेगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।